कराना है। तो मुझे याद है भैया कि उस दिन भी आपने मुझे खाने की टेबल पे बड़े साधारण तरीके से मुझे समझाया कि कुछ मत करो, सबसे मिलते रहो, देश की। मैं आज आप सभी बुजुर्गों के और माताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं और मेरे युवा साथियों, अभी जब मैं आ रहा था तभी एक अच्छी खबर आई मेरे को, वेंकैया जी के दफ्तर से फोन आया कि जो ढाका मेट्रो स्टेशन का था उसका ऑर्डर निकल गया है और कल आप सुबह के अखबारों में भी ये देख सकते हैं कि यूडी मंत्रालय ने 550 करोड़ रुपए का जो ये काम होना है और जो अगले फेज में होना था उसको पास कर दिया है। मेट्रो के चेयरमैन से मेरी बात हुई है और वो जल्दी उसका टेंडर लगाने वाला है और मेरे को लगता है कि कोई 1.5-2 महीने में यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। तालियां, देखो ये तालियों की आवाज वैसी आई नहीं जैसी आप मेरे जितना मेरे को सुनाते थे, जितना बुलाना देते थे, वैसी ताली की आवाज नहीं है। अब मैं चुनाव में जब भी मैं आया था, मैं नजफगढ़ में जहां पर भी गया तो वो अपनी उपेक्षा से इतने तंग आ चुके हैं 20 साल से, चाहे शीला दीक्षित रही हो चाहे केजरीवाल रहा हो, उनको मालूम है कि भैया यहाँ पर केवल दिल्ली सरकार ने वादे करने के अलावा कुछ किया नहीं। तो बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वादे किए दिल्ली सरकार ने, काम उन्होंने नहीं किए, मगर जब मेरा चुनाव चल रहा था लोकसभा का चुनाव, तब मुझे लोगों ने कहा था कि भाई ये ढासा मेट्रो स्टेशन, तब तक मेरे को ये मुद्दा मालूम नहीं था कि काम क्या है। तब मुझे मेरे चुनाव में ये लोगों ने बताया कि ये स्टेशन एक आगे बढ़ना चाहिए। फिर मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि पहले से ही इसका काम चल रहा है। जब मेरा चुनाव खत्म हुआ तब मैंने मालूम किया तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि ढासा मेट्रो स्टेशन तक एक स्टेशन आगे बढ़े, ऐसा कोई प्रस्ताव कहीं था नहीं। तो जो भी लोग बोलते थे वो झूठ बोलते थे। जब हमने मंत्रालय में बात करी उसके बाद, क्योंकि ये जो स्टेशन बनना था ये अगले फेज में बनना था और अगला फेज आज से 4-5 साल में होना था, अगर ये वैसे ही चलता रहता तो ये कम से कम 2022 में 2023 में बनता। मगर हमने उसके बाद में वेंकैया जी को समझाया, मेट्रो के चेयरमैन को समझाया, अरुण जेटली जी को समझाया कि जी ऐसे नहीं, ये केवल एक मेट्रो स्टेशन को आगे बढ़ाने की बात नहीं है। उनको मैं पूरा नक्शा ले जाता था नजफगढ़ का, उनको समझाता था कि आपने नजफगढ़ के एक छोर पे रोक दिया, अब ये पूरे नजफगढ़ को क्रॉस करने के बाद में ये सारे गांव के लोग, हरियाणा के लोग जब जाएंगे तो पूरा नजफगढ़ इनको पार करना पड़ेगा, वहां पे जाम लगा रहता है, तब आधा पौना घंटा वहां खराब हो जाता है, फिर वो अगली वहां से स्टेशन से पकड़ेंगे, तो इसका फायदा क्या हुआ। मैंने कहा फायदा इसका तब होगा और इस पूरे देहात को फायदा तब होगा जब स्टेशन इस छोर पे बन जाएगा। क्या करते मरता क्या नहीं करता, इन्होंने बोला होगा भाई वोट चाहिए, इन्होंने बोला होगा हाँ मैं पीडब्ल्यूडी का भी काम करूंगी, हाँ मैं जल बोर्ड का भी करूंगी, हाँ मैं बिजली का भी करूंगी, हाँ मैं फ्लड का भी करूंगी, आप इनसे बोलते अमेरिका का भी करेगी, ये बोलते हाँ मैं अमेरिका भी करूंगी। इनको ये भी पता था कि ये हमारे काम नहीं, ये तो दिल्ली सरकार के काम और ये दिल्ली सरकार कर सकती,